गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक चिड़िया गुजर रही थी अपने परिवार के साथ। बारिश का मौसम आने वाला था। उसने सोचा कि एक सेफ जगह ढूंढी जाए जो बारिश में मुझे परेशानी ना हो। उसने एक पेड़ से पूछा, क्या मैं आपकी टहनी के ऊपर अपना घोंसला बना सकती हूँ? पेड़ ने बोला, नहीं, आप नहीं बना सकते। वो निराश हो गई। उसने दूसरे पेड़ से पूछा, क्या मैं आपकी टहनी के ऊपर अपना घोंसला बना सकती हूँ? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बना सकते हो। उसने वो घोंसला बना लिया। अभी बारिश का मौसम शुरू हो गया। जैसे ही बारिश आई, वो पहला वाला पेड़ जिसने उसे मना किया था, वो उसकी जड़ें ढीली हो गई और वो यूं यूं करके नीचे जाने लगा। चिड़िया ने तुरंत बोला, क्यों पेड़, क्या हुआ? देखो, तुमने मुझे मना किया ना, उसका नतीजा देखो। सहन कर रहे हैं ना पूरे, अब आपको सहन करना पड़ रहा है। पेड़ ने बोला, आप गलत सोच रहे हो, मुझे पता था कि मेरी जड़ें अभी इतनी मजबूत नहीं रही है कि इस बारिश को झेल सके। मुझे पता था कि मैं बह जाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने आपका और आपके परिवार का सोचा। इसीलिए मैंने आपको मेरे पेड़ के टहनी के ऊपर घोंसला बनाने के लिए मना किया था। और तुरंत ही वो पेड़ बह गया। चिड़िया को बहुत गिल्टी फील हुई कि मैंने क्या सोचा, पेड़ तो मेरे लिए अच्छा कर रहा था। कभी कभी कोई व्यक्ति, कोई इंसान हमें कुछ बात के लिए मना करे तो हमें सोचना चाहिए कि उसकी कुछ परिस्थिति होगी, उसके कुछ रीजंस होंगे, उसी की वजह से वो हमें मना कर रहा है। एक मना करने से हम उसका चारित्र या फिर उसकी हमारे प्रति फीलिंग कम नहीं होती है, हमारे लिए कुछ अच्छा सोच के उसने मना किया होता है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई हमें मना कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, क्यों मना कर रहा है, उसके भी कुछ रीजंस होंगे, हमें ये सोचना चाहिए। नहीं बल्कि हमें उसके ऊपर ब्लेम करना चाहिए कि क्यों नहीं, हमें उसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, हमें उससे निराश होना हो जाना चाहिए, या फिर हम तो इतनी हद तक गिर जाते हैं ना कि हम उससे रिश्ता तोड़ लेते। ऐसी गलती मत करो। उस इंसान को समझिए, उसकी परिस्थिति को समझिए। बस इसी अच्छी स्टोरी के साथ आज के लिए कीप स्माइलिंग। बाय बाय।